बेरी में मंगलवार की देर शाम अज्ञात हमलावरों ने गैंग वॉर के चलते गोलियां चला दी और वहां से फरार हो गए। घटना बेरी के रिठोली कबूलपुर मार्ग पर घटित हुई। यहां बेरी नगरपालिका के चेयरमैन और काद्यान खाप के प्रधान देवेंद्र नामक युवक अपने साथियों के साथ बैठे थे। इसी दौरान कुछ कार सवार हमलावर मौके पर पहुंचे और उन्होंने देवेंद्र और उसके साथियों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इससे पहले कि देवेंद्र और उसके साथी कुछ समझ पाते, हमलावर उन सभी को निशाना बनाकर वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी वसीम अकरम खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ नाकेबंदी भी की गई, लेकिन हमलावर पुलिस को गच्चा देकर भागने में कामयाब हो गए। एसपी का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला गैंग वॉर से जुड़ा लगता है। पुलिस को इस मामले में हिमांशु गैंग पर शक है। एसपी का ये भी कहना है कि देवेंद्र की जान का खतरा भांपते हुए पुलिस ने पहले ही उन्हें गनमैन उपलब्ध करा रखा था, लेकिन जिस समय घटना घटित हुई उस समय देवेंद्र की सुरक्षा में तैनात गनमैन माता के दर्शन के लिए गया हुआ था। एसपी ने जल्द ही आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी किए जाने की बात कही है। अभी बेरी में करीब 7:45 बजे की घटना बताया जाता है कि जो बहुत बेरी से कबूलपुर रेटोली रोड है, उस रोड पे बेरी के एक देवेंद्र और बिल्लू नाम के आदमी अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो कुछ 4-5 अज्ञात लोग एक गाड़ी में आए और गाड़ी में आकर उनको उन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर। मौके का मुआयना मैंने किया है और उस वक्त क्योंकि माता का मेला चल रहा है तो हम लोग सब पुलिस की ड्यूटियाँ भी माता के मेले में लगी हुई थी, तो इस संबंध में पाया गया कि वहाँ पर कुछ गोलियाँ चली हैं और घायलों को तुरंत कायनोस हॉस्पिटल रोहतक लिया गया है। दो लोगों को गोलियाँ पैरों में लगी बताई हैं तो वो खतरे से बाहर हैं। तीसरे जो देवेंद्र हैं उनके कमर में गोली लगी है तो उसका भी इलाज के लिए रोहतक में इलाज कराया जा रहा है। और मौके पे क्योंकि हमने इनको देवेंद्र बिल्लू को एक खतरे के आधार पे पहले सुरक्षा दे रखी थी, तो जो गनमैन था उसको अभी पता गया कि वो उस माता के मेले में दर्शन के लिए गए थे और इसी दौरान ये घटना होनी थी। अभी इस बारे में तफ्तीश पुलिस नाकाबंदी कर रही है और जो हमारे संदिग्ध लोग हैं जिन लोगों से खतरे की बात थी उनके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं। पहले भी किसी गैंग ने कोई धमकी वगैरह दी थी? ये अभी सुनने में आया हिमांशु गैंग के लोगों ने इसको धमकी दी थी, तो इस संबंध में खतरे को मापते हुए करीब 8 महीने पहले मेरे द्वारा इनको एक सुरक्षा के तौर पर अलग रक्षक दिया गया और ड्यूटी के साथ ही रहता था। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों द्वारा बरसाई गोलियों में से देवेंद्र को 3 और उसके साथियों को 1-1 गोली लगी। देवेंद्र को उसकी पीठ में गोली मारी गई है जबकि देवेंद्र के साथियों को पैर में गोली लगी है। देवेंद्र के साथियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है जबकि देवेंद्र की पीठ में गोली लगने के चलते उसकी हालत गंभीर बनी है। इन सभी को रोहतक के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। झज्जर से जगदीप राजयान, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।